हेलो नमस्कार किसान साथियों, इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की। मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि कपास की खेती में कौन कौन सी खाद डालें व कौन कौन से स्प्रे करें, जिससे कि हमें कम खर्च कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट व इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, जुलाई महीने में कपास की फसल 2 से 3 महीने की हो जाती है। अब हम इसके अंदर कौन कौन सी खाद डालें जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी हो। बात करते हैं खाद की। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह निराई व गुड़ाई कर दे, जिससे कि खेत में खरपतवार पूरी तरह नष्ट हो जाए। अब हम बात करते हैं खाद की। अगर आप DAP का इस्तेमाल करते हो तो 1 एकड़ के लिए 50 किलो DAP व 25 से 30 किलो पोटाश व 10 किलो जिंक 21% वाली ही डालें। अगर आप SSP का उपयोग करते हो यानी सिंगल सुपर फास्फेट, तो 1 एकड़ के लिए 2 कट्टे SSP, 25 से 30 किलो पोटाश व 10 किलो जिंक 21% वाली ही डालें। खाद की आप मशीन की सहायता से बिजाई भी कर सकते हो। अगर आप स्प्रे के रूप में खाद का इस्तेमाल करते हो तो 1 एकड़ के लिए 1 किलो NPK 19:19 का ही स्प्रे करें। 1 kg NPK को 100 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ की फसल पर उसका स्प्रे कर दे। आप खाद का इस्तेमाल आप मिट्टी की जांच के अनुसार भी कर सकते हो। पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं स्प्रे की। कपास की फसल में पहला स्प्रे माहू कीट तेला की रोकथाम के लिए हल्की दवा का ही स्प्रे करें, जैसे कॉन्फिडोर इत्यादि। 40 से 50 ग्राम कॉन्फिडोर दवाई को 200 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। अब हम बात करते हैं, अगर पौधे पर फूल आना शुरू हो जाए तो फूलों की संख्या में वृद्धि व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए पलानोफिक्स जैसे टॉनिक का ही स्प्रे करें। पलानोफिक्स कल्टार या चमत्कार जैसे टॉनिक का ही इस्तेमाल करें। 40 से 50 ग्राम पलानोफिक्स को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में इसका स्प्रे कर दे। पलानोफिक्स एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक है जो फल व फूलों की संख्या में भारी वृद्धि करता है, फूलों को झड़ने से रोकता है, इससे फलों का वजन भी बढ़ जाता है, फल एकदम स्वस्थ होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व कमेंट करें व इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको रहे। धन्यवाद।